आज की इस बदलाव जनसभा में पंजाब प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पंजाब की शान सरदार भगवंत मान जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं दादरी की क्रांतिकारी जनता से अनुरोध करता हूं, एक बार जोरदार तालियों से सरदार जी का सम्मान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हमारे दादरी जिले के युवा साथियों का श्री सार्थक सांगवान जी, दीपांशु जी, राजेंद्र प्रजापत जी, रामलाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो बड़ी माला से आकर हमारे आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करें। सभी युवा साथी जल्द से जल्द मंच पर पहुंचकर बड़ी माला से आज के हमारे मुख्य अतिथि पंजाब की शान सरदार भगवंत मान जी का बड़ी माला के साथ पूरे मंच के साथ स्वागत करने का काम करें। अपन ले लो, ले लो। हाँ चलो चलो। श्री धनराज कुंडू जी, अनुरोध है कि आप मंच पर पहुंचे। जोरदार माला से आज के हमारे मुख्य अतिथि सरदार भगवंत मान जी का पूरा सम्मानित मंच स्वागत करता हुआ एक बार जोरदार तालियों से, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। धनराज कुंडू जी को बड़ी माला में साथ में लेते हुए सभी साथी एक बार जोरदार तालियों से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। इतनी बड़ी तादाद में आज आप लोगों ने हरियाणा की धरती पर राजनीतिक बदलाव के लिए दादरी की क्रांतिकारी जनता ने जिस तरह से आज इतनी बड़ी संख्या में यहां मौजूद होकर अपनी हाजिरी दर्ज की है, उससे ये साफ है कि कोई ताकत नहीं है इस बार हरियाणा में जो बदलाव होने से रोक सके। अब मैं अनुरोध करता हूं हरियाणा की सबसे मजबूत आवाज, फायरब्रांड नेता, क्रांतिकारी नेता, बड़े भाई अनुराग ढांडा जी को कि वो आए और आज दादरी की क्रांतिकारी जनता को अपना संबोधन करें। जोरदार तालियों के साथ भाई अनुराग ढांडा जी का स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सब लोग। ये एक बार साउंड चेक करना भाई, थोड़ी गूंज रही है आवाज, थोड़ा साउंड चेक कर लीजिए। जो भी आप सब लोग यहां इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे, इसके लिए हाथ जोड़कर आप सभी का प्रणाम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री हरमन प्यारे सरदार भगवंत मान जी आज हमारे बीच में यहां पर पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों से सबसे पहले मान साहब का स्वागत कर दीजिए। चरखी दादरी की यह धरती बलिदानों की धरती रही है, खिलाड़ियों की धरती रही है, और यहां लड़ने वालों में जबरदस्त जज्बा है संघर्ष का। उस संघर्ष को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। मंच पर जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, पवन जी, इंदु जी, मटरू जी, सरोज जी, हमारे युवा अध्यक्ष रहे और अभी उपाध्यक्ष मनीष यादव जी, हमारे बाड़ा के किंग, ये हमारे साथी और जितने भी वरिष्ठ साथी मंच पर मौजूद हैं, रिम्पी फोगाट जी भी हैं, सत्यनारायण जी भी हैं, आप सभी को, हमारी जिला अध्यक्ष बहन जी भी हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। और अपनी बात को मैं यहां से शुरू करता हूं कि आपने इतने सालों की राजनीति में हरियाणा के अंदर हर पार्टी को वोट दे के देख लिया, हर एक पार्टी को। मैं कहता हूं जो भी आपके दरवाजे पे आया, जिसने भी ये कहा हाथ जोड़ के कि हमें वोट दे दो, आपने सबको कहा कि जा बेटा राज कर, तू भी हरियाणा का राज चला के देख। लेकिन आपको कभी भी अपने जीवन में कोई भी मूलभूत सुविधा मिली हो तो बता दो,
बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, युवाओं को रोजगार, एक मुद्दे के ऊपर भी अगर आप ये कह सकते हो कि किसी सरकार ने काम किया, तो जब हमारे मुद्दों के ऊपर किसी सरकार ने काम ही नहीं किया तो किस लिए वोट देते हो इस सरकार को? और ये 10 साल से जो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने तो हरियाणा को बर्बाद करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। यहां तक कहूंगा कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से नफरत करती है, आज यह स्पष्ट हो गया, यह सबके सामने खुलासा हो गया। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं आज? आप ही की बेटी विनेश फोगाट को जानते हो कि नहीं जानते हो? आप लोग विनेश फोगाट को जानते हो कि नहीं जानते हो? हाथ उठा के बताओ मुझे। देश का नाम रोशन करने वाली बेटी, जिसने पता नहीं देश के लिए कितने पदक जीते, पूरे हिंदुस्तान का सर गौरव से ऊंचा किया, ऐसी बेटी को जब उनकी इज्जत के ऊपर हाथ डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने, एक नेता ने किया, तो उन्होंने दिल्ली में जाके अपनी इज्जत की दुहाई दी, उन्होंने दिल्ली में जाके इस गलत काम के खिलाफ आवाज उठाई। तो यही बीजेपी की सरकार थी, यही मोदी जी थे, उनको सड़कों के ऊपर घसीटा गया, हमारी खिलाड़ी बहनों का अपमान किया गया। और वो दिन है, और कल का दिन था जब विनेश ने ओलंपिक में पहली महिला बनी, विनेश जो सीधे पहुंची फाइनल के अंदर अपने कुव्वत पे, अपने दम पे, उन्होंने देश का नाम रोशन किया और इस भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे करारा तमाचा मारा। जो अपमान किया था उन्होंने हमारी बहनों का, उन्होंने बताया कि अपने दम पर वो फाइनल के अंदर पहुंच सकती हैं, इतिहास रच सकती हैं। लेकिन साथियों, मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, ध्यान से सुनना, इस भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की बेटी देश का गौरव बढ़ाए ये मंजूर नहीं है, हरियाणा के लोग देश का शौर्य बढ़ाए ये मंजूर नहीं है। मैं साफ तौर पर कहता हूं कि एक बड़ी साजिश करके हमारी बेटी को डिस्क्वालीफाई करा दिया गया ओलंपिक के अंदर, और 100 ग्राम वजन ज्यादा है। आप मुझे बताओ, इतने मुकाबले लड़के वो फाइनल तक पहुंची, और आज अचानक से ये कह दिया गया कि 100 ग्राम वजन ज्यादा है इसलिए वो फाइनल मुकाबला नहीं लड़ सकती। और यही नरेंद्र मोदी जब कल वो फाइनल में पहुंची ओलंपिक के, तब बधाई देने के लिए मुंह से शब्द नहीं निकला इनके। आज जब वो डिस्क्वालीफाई हुई तो कहते हैं कि मुझे दुख है। अरे हम सीधे तौर पर कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले और ये खेल संघ वाले पूरी तरह से इस साजिश में शामिल हैं, वरना कोई ताकत नहीं। भारत इतना बड़ा देश है, 100 ग्राम वजन की वजह से 100 करोड़ के देश की इज्जत को दांव पे लगा दिया मोदी जी ने। इतना बड़ा देश है भारत, अगर भारत की खिलाड़ी का इस तरह से अपमान होता है तो ये विनेश का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है। अगर हमारी खिलाड़ी को फाइनल में खेलने नहीं देते तो ओलंपिक का बहिष्कार करना चाहिए मोदी जी को, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोग हाथ उठा के बताओ। हमारी बेटी नहीं खेल सकती उस ओलंपिक में तो इस देश को बहिष्कार करना चाहिए ओलंपिक का, साफ तौर पर। लेकिन मोदी जी करेंगे नहीं, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया कि विनेश मुझे दुख है तुम्हारे डिस्क्वालीफाई होने का। अरे कैसा दुख, जब बहनों की इज्जत के ऊपर हाथ डाला जा रहा था तो मूक दर्शक बन के तमाशा देख रहे थे। और दूसरा कारण, अरविंद केजरीवाल भी तो हरियाणा के बेटे हैं, हरियाणा का लाल है अरविंद केजरीवाल, इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं। आप देखो उनके साथ क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, एक पैसे का सबूत नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, एक पैसे की कोई बरामदगी आज तक कभी नहीं हुई हमारे किसी नेता के यहां से, सिर्फ इसलिए कि हरियाणा का बेटा देश में और दुनिया में नाम कैसे कमा रहा है, हरियाणा का बेटा राजनीति कैसे बदल रहा है देश की, सिर्फ इसलिए हरियाणा के लाल को, हरियाणा के खून को जेल के अंदर डाल दिया फर्जी केस बना के। ये साजिश करते हैं हरियाणा के लोगों के खिलाफ, हरियाणा से नफरत करती है भारतीय जनता पार्टी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं,
कि जो हरियाणा का इतना अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी, जिसने हरियाणा के बेटे को जेल में डाल रखा है फर्जी केस बना के, जिसने हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट के खिलाफ साजिश करके देश का मस्तक झुकाने का काम किया, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं क्या ऐसी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में जीरो पर ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो, उनका सूपड़ा साफ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो अपने दोनों हाथ उठा के आज यहां से ऐलान कर दीजिए कि दादरी की जनता ये अन्याय ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी, हरियाणा के लोगों का यह अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। और मुझे आज आप लोगों का यह हौसला, आप लोगों की यह संख्या देख करके पूरा यकीन है कि हरियाणा बदलने वाला है, हरियाणा इस बार अपने बेटे अरविंद केजरीवाल का साथ देगा, और जैसे दिल्ली और पंजाब बदला वैसे ही हरियाणा भी आने वाले विधानसभा चुनाव में संपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है। मैं आप लोगों की यह संख्या और हौसला देख के यह साफ तौर पर कह सकता हूं। मान साहब, आपके चर्चे होते हैं पूरे हरियाणा के अंदर, लोग कहते हैं हरियाणा सरकार से एक नौकरी ढंग से नहीं दी जा रही, एक नौकरी नहीं दी जा रही। बोले जी सीईटी का एग्जाम कराएंगे, सीईटी का एग्जाम करा के युवाओं को नौकरी देंगे। ग्रुप 1, 2, 56, 57 हजारों बच्चे हैं जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। पहले इनकी गलत नीतियों की वजह से कोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी, और अब जब दोबारा बच्चों को बुला रहे हैं तो पहले जहां 38,000 बच्चों को पेपर देने बुलाया था, अब कहते हैं बस 8,000 बच्चे पेपर देने के लिए आएंगे। मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों की नीयत नहीं है हमारे बच्चों को नौकरी देने की, वरना 2,00,000 सरकारी नौकरी खाली पड़ी है हरियाणा के अंदर। मान साहब ने भी तो नौकरी देके दिखाई, पंजाब के अंदर 2 साल में 43,000 नौकरी देके दिखाई, 43,000 नौकरी। मेरे पास एक बंदा आया, कांग्रेस का एक कट्टर कार्यकर्ता था, बोले जी बीजेपी तो नौकरी नहीं देती, कांग्रेस के टाइम में नौकरी दी थी हमने। मैंने उसको खुली चुनौती दी, मैंने कहा मैं तेरी बात मान लूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा राजनीति में भी, अगर एक आदमी पूरे हरियाणा से ढूंढ के ले आ जिसको कांग्रेस के राज में बिना पैसे के नौकरी मिली थी और जिसको बीजेपी के राज में नौकरी मिली हो, और एक आदमी पूरे पंजाब से ढूंढ के ले आ जिसको एक पैसा भी नौकरी के लिए देना पड़ा हो, दोनों में से कोई काम वो आदमी नहीं कर पाया। इसलिए मेरे दिल को यह सुकून है और इस बात का गौरव है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी की नीतियों को मानते हैं, और अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में आम आदमी पार्टी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपको वो 5 गारंटियां जरूर बोलना चाहता हूं जो अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा के लिए दी है। पूरे हरियाणा में आज ये चर्चा है, कह रहे हैं कि 5 ही गारंटी क्यों दी अरविंद केजरीवाल ने, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत चीजों पर चर्चा होनी चाहिए थी। मैंने कहा 5 गारंटी, जिस तरह से बड़ा घर बनाना हो तो उसके लिए जबरदस्त नींव बनानी पड़ती है, ये 5 गारंटी हरियाणा के भविष्य की नींव है। जिस दिन ये 5 गारंटी पूरी हो जाएंगी उस दिन हरियाणा की इमारत शानदार बनेगी, उस दिन हरियाणा का भविष्य शानदार बनेगा। क्या है ये 5 गारंटी? केजरीवाल जी की पहली गारंटी है, पहले तो आप मुझे बता दो 24 घंटे बिजली आती है क्या हरियाणा में? आती है 24 घंटे बिजली? नहीं आती। तो केजरीवाल जी की पहली गारंटी है आम आदमी की सरकार बनवा दो, 24 घंटे बिजली भी मिलेगी और मुफ्त बिजली भी मिलेगी हरियाणा में सब लोगों को। केजरीवाल जी की दूसरी गारंटी, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, माताएं बहनें भी बैठी हैं, सरकारी अस्पतालों में गए हो वहां पे कोई दवाई इलाज कोई टेस्ट कभी मिला है ढंग से? हरियाणा के अस्पतालों में इलाज होता है ढंग से? नहीं होता। ये सारे दुखियारे हैं जो हाथ उठा के बता रहे हैं। केजरीवाल जी की दूसरी गारंटी है हरियाणा के हर एक अस्पताल को, शहर हो या गांव हो, एक एक गांव में शानदार मोहल्ला क्लिनिक गांव क्लिनिक बनेंगे, एक एक शहर में शानदार अस्पताल बनेंगे, सारे टेस्ट सारी दवाइयां सारा इलाज 10 रुपए की दवाई हो कि 10,00,000 रुपए का ऑपरेशन, आम आदमी पार्टी की सरकार में सारा इलाज मुफ्त में मिलेगा। केजरीवाल जी की तीसरी गारंटी, आपके बच्चों के सरकारी स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिए, 3,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने। इन सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है भाई? किसान के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं इन सरकारी स्कूलों में।
इन सरकारी स्कूलों को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। केजरीवाल जी की तीसरी गारंटी है, शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे सारे। आज के दिन में 37-38 हजार पद खाली हैं सरकारी स्कूलों में, सारी भर्तियां करेंगे, शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे और आपका बच्चा और अफसरों का बच्चा एक ही बेंच के ऊपर बैठ के पढ़ेगा। यह केजरीवाल जी की तीसरी गारंटी है। केजरीवाल जी की चौथी गारंटी है, माताओं बहनों के सम्मान में यह चौथी गारंटी केजरीवाल जी की है। उन्होंने कहा हर माता बहन को जिनकी भी उम्र 18 साल से ऊपर है उन सभी को 1,000 रुपए महीना सम्मान राशि आम आदमी पार्टी की सरकार में दी जाएगी। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी गारंटी केजरीवाल जी ने कहा है, 25 लाख युवा आज के दिन हरियाणा में बेरोजगार हैं, 2 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी है। जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार आई पहली कलम से ये 2 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे और हरियाणा के हर युवा को 100% रोजगार सुनिश्चित करेंगे। ये पांचवी गारंटी। ये 5 काम करा लो, पता नहीं कितनी सरकारें आपने देख ली, इनमें से एक भी काम नहीं हुआ। ये 5 काम करा लो, आपके बच्चों का नसीब सुधर जाएगा, गारंटी देते हैं हम लोग। इसलिए इन 5 गारंटियों के नाम पे इस बार वोट डाल के देखिएगा, आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, हरियाणा का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा और आपके बेटे अरविंद केजरीवाल, जिस दिन आप ये ठान लोगे कि एक एक वोट केजरीवाल के नाम पे देना है, उस दिन आपके बेटे अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर होंगे, आपके बीच में होंगे और अपनी जन्मभूमि की सेवा करने के लिए आपके बीच में हाजिर होंगे। एक बार मेरे साथ भारत माता का जोरदार नारा लगा दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि मैंने कम शब्दों में भी अपनी बात आपके दिलों तक पहुंचा दी। बंद मुट्ठी करके, हाथ ऊपर करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, चाहे वो शेड के अंदर हो या शेड के बाहर, जोरदार भारत माता का नारा मेरे साथ लगाइए, भारत माता की, इनकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया फायर ब्रांड नेता अनुराग ढांडा जी का कि उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से आज क्रांतिकारी जनता का संबोधन किया है। अब मैं मान साहब, आपने जिस तरह से पंजाब के किसानों का जीवन खुशहाल किया है, जिस तरह पंजाब का किसान देश की सरकार से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा था, तो आपने उन किसानों का सहयोग किया है। आपके इस सम्मान में, आपके इस काम के सम्मान में नरेश मोड़ी जी, रिम्पी फोगाट जी, रवि मकड़ानी जी, किसान का औजार हल भेंट करके आपका सम्मान करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां, दादरी की क्रांतिकारी जनता, किसान जनता, जवान जनता से अनुरोध करूंगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सभी किसान साथियों का। अब देश की संसद में आम लोगों की हक की आवाज उठाने वाले और आज पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में आम लोगों को मजबूत करने वाले हमारे पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पंजाब की शान, सरदार भगवंत मान जी आपके बीच में अपना संबोधन रख रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोर बहुत 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 धन्यवाद। मैं मीडिया वाले मित्र, आगे आ जाओ, जा तो यहां पे आ जाओ क्योंकि पीछे नजर नहीं आता, आप आगे आ जाओ। आप, मैं सिक्योरिटी वालों को मैं कहना चाहता हूं, इनको आगे ले, यहां ले, कोई बात नहीं, इन्होंने भी अपना काम करना है, अपनी ड्यूटी करनी है, लेकिन वो पीछे नजर नहीं आता फिर। हाँ, आप आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, ये 2 कैमरे आगे पहले हैं ना, तो इसमें क्या है। एसपी साहब यहां पे ले, आप ऊपर से इधर से आ जाइए, इनको बुला लो, कोई नहीं, मीडिया वाले हमारे साथी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी मार दीजिए। इधर से आगे बुला लो, ये जहां पे बना है, हाँ आइए आइए, कोई बात नहीं, कोई बात,
तुम बैठ जाओ जी। बस 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 आ जाओ, आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। अब यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनका एंगल जो है वो भी ठीक बन जाएगा। बीच में आ जाइए, बीच में आराम से आ जाइए। बस ऐतिहासिक और क्रांतिकारी धरती चरखी दादरी आज पहली बार आने का मौका मिला है। सबसे पहले हमारे इस विधानसभा लोकसभा के हमारे नेतागण, जिनमें अनुराग ढांडा जी आपके सामने बोलकर गए हैं, डॉक्टर मनीष यादव हैं, श्रीमती इंदु शर्मा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं, रविंदर मक्खू जी हैं, धनराज कुंडू जी, रिम्पी फोगट जी, राकेश चांदवास जी, पवन हिंदुस्तानी जी, सरोज जांद्रा जी, सारी हमारी टीम है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं, इन्होंने मुझे बुलाया और मान सम्मान भी दिया और इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सब लोगों का जो अपने अपने घर से चलकर यहां पर आए और हौसला बढ़ाने आए। मौसम खराब है फिर भी आए, खास तौर पर इस साइड पे जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं, इनका आना बहुत शुभ शगन है, क्योंकि अगर इनके बिना घर नहीं चल सकता, चूल्हा नहीं चल सकता, तो इनके बिना देश भी नहीं चल सकता, ये याद रख लेना बस। तो आपका इतनी बड़ी गिनती में यहां आना बहुत बहुत शुभ शगन है। पांव छूता हूं आपका आशीर्वाद लेता हूं। सबको नमस्कार, राम राम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, कोई राजनीतिक भाषण देने तो आए नहीं हम, हम तो आम बंदे हैं जी, आम घरों से निकले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक पार्टी बनाई रामलीला ग्राउंड दिल्ली से कि चलो एक पार्टी ऐसी भी बनाते हैं जिसमें आम लोग हों, जिसके मेंबर आम घरों के बेटे बेटियां हों, नहीं तो कांग्रेस भाजपा या दूसरी पार्टियों में नेताओं के बेटे बेटियां, इनके भतीजे, इनके जीजे, इनके साले, सब यही चल रहा था। आम बंदे को तो पूछ ही नहीं रहा था कोई, आम बंदों को तो बस जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए रखा हुआ था जी। अब इधर आ जाओ, अब जिंदाबाद बोल दो, अब इधर चले जाओ, इधर मुर्दाबाद बोल दो, इस काम के लिए रखे हुए थे जी। मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत बार आपने वोट डाले होंगे, बहुत बार वोट डाले होंगे, बहुत लोग आपने जिताए होंगे, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, नेता जीत जाते थे और पब्लिक हार जाती थी, कोई फायदा हुआ उनको जिताने का? उनको बहुत फायदा हुआ, उन्होंने तो घर भर लिए, उन्होंने तो कई पीढ़ियों के पैसे इकट्ठे कर लिए, उनको बहुत फायदा हुआ, हमें कुछ नहीं मिला जी। हम तो वही सीवरेज के ढक्कन, गांव का छप्पड़, वही खड़े हैं बस। बिजली, पानी, नौकरी, बस वही खड़े हैं। क्यों हो गया ऐसा? 75 साल की आजादी के बाद भी हमारा यह हाल है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती सिस्टम की है। और आपका मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूं कि आपका कोई कसूर है, नो, आपका बिल्कुल भी दोष नहीं है। आपके पास कोई विकल्प ही नहीं था, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं था, किधर जाते भाई साहब? भाजपा ने तंग किया, चलो कांग्रेस को जिताते हैं, कांग्रेस ने उससे भी ज्यादा तंग किया,
चलो इनेलो को देखते हैं, इनेलो ने दोनों से ज्यादा तंग किया, चलो वापस भाजपा पे आते हैं, भाजपा ने फिर तंग किया, चलो फिर कांग्रेस में जाते हैं। वो वाली बात है भाई साहब, कहां जाएं? एक बंदे को पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने कहा क्या किया है? कहता जी मैंने कत्ल किया है। कहता कत्ल किसने किया है? कहता जी मैंने किया है। लाश कहां है? कहता जी मैंने आग से जला दी। कहता जहां जली हुई जगह वो कहां है? कहता जी ऊपर से ट्रैक्टर से जोत दिया खेत। कहता जहां खेत जोता था वो दिखा। कहता जी उसके ऊपर ईंटें लगा दी थी। कहता चल ईंटें दिखा। कहता जी ऊपर एक छत बना के घर बना दिया था। कहता चल छत दिखा। कहता जी भूकंप आया था छत गिर गई। कहता चल मलबा दिखा। वो कहता जी पड़ोसी को बेच दिया था। कहता चल पड़ोसी को बुला। कहता जी उसका कत्ल हो गया। कहता किसने किया? कहता जी मैंने किया है। कहता लाश कहां है? कहता जी आग लगा के। वो पुलिस वाले ने कहा यार फिर वहीं पे आ गया यार तू, फिर वही कहानी तेरी, यही हमारे साथ होता रहा। भाजपा जिता दी, कांग्रेस जिता दी, नेलो जिता दी, हमारे मसले वही खड़े हैं जी, हम वही पे वही हाथ जोड़ के खड़े हैं जी उनके सामने। नेताओं को आखिरी महीना एक महीना पौने पांच साल में एक महीना हाथ जोड़ने पड़ते हैं, बाद में पौने पांच साल जनता हाथ जोड़ती है। मैं पंजाब में गांव में गया तो एक बुजुर्ग ने मेरे ऐसे कंधे पे हाथ लगाया, फिर दोबारा लगाया। मैंने कहा क्या हो गया बुजुर्ग को बताओ, कोई गलती हो गई? कहता नहीं बेटा गलती तो नहीं हुई। कहता इन हाथों से मुख्यमंत्री बहुत बनाए हैं, लेकिन अपने हाथों से बनाए हुए मुख्यमंत्री को खुद हाथ लगा के आज पहली बार देखा है। ये हालत है भाई साहब, ये हालत है। कोई नेड़े आने देता आपको? कोई नजदीक आने देता है इनके? नहीं आने देते भाई साहब। स्वाओ आप इकट्ठे होकर अरविंद केजरीवाल की सोच को प्रणाम करते हुए, हरियाणा के एक लाल शिवानी गांव है हिसार के पास, वहां से एक लड़का उठा, पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल के रख दी। इस बात का हरियाणा वालों को गर्व होना चाहिए। हम जैसे भी मुख्यमंत्री बन गए, आम घरों के बेटे बेटी एमएलए बन गए, मंत्री बन गए। आप में से भी बहुत बैठे हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। बोल देना भगवंत मान आया था मुख्यमंत्री पंजाब चरखी दादरी, इनको बोल देना बीजेपी वालों को कांग्रेस वालों को जिन्होंने अपने बेटे बेटियों को सबको चेयरमैन ये बोल गा रखा है, उनको बोल देना अपना बोरी बिस्तरा गोल कर लीजिए, आम घरों के बेटे बेटियां आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो कोई कमी नहीं है अपने में भाई साहब। हम ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं आम घरों के बेटे बेटियां, तो ये कौन सी बड़ी चीज है? ये तो एक बटनी दबाना है। और जिस दिन जाओगे ना वोट डालने, मेरी एक बात आज याद रख लेना, बाकी पूरा मेरा भाषण भले ही मत याद रखना, एक बात याद रख लेना, जब वोट डालने जाओगे वहां एक मशीन होगी, उस मशीन में जो जहां से कैंडिडेट होगा उम्मीदवार होगा उसका नाम होगा, उसकी फोटो होगी और उसके सामने उसका चुनाव चिन्ह होगा। गौर से देख लेना, आराम से, कोई जल्दीबाजी मत करना वोट डालने में, पांच साल में एक मौका ही आता है बस, जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सोचना कि भगवंत मान ने उस दिन कहा था यार। वो बटन ना तो किसी ऐनक का है, वो बटन ना किसी हाथी का है, वो बटन ना किसी हाथ पंजे का है, वो बटन ना किसी कमल के फूल का है, वो बटन ना ही झाड़ू का है, असल में वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है भाई साहब। सही बटन दबा दोगे किस्मत चमक जाएगी, वरना पहले बटन दबाते ही आए हैं 50-75 साल से, पता ही है कैसे कैसे बटन दबाए हैं भाई साहब, तो फिर
और 5 साल हो जाएंगे और कैश में, और 5 साल लूट लेंगे और कैश में। सो नहीं तो ये चलता रहेगा सिलसिला। आओ इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होने का फायदा है। हमारा चुनाव चिन्ह भी ऐसा है, माओ बहनों को तो बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि हमारा चुनाव चिन्ह क्या है। ये तो सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं घर पे कि कहां पड़ा है झाड़ू, कहां रखा है। आप लोग खुश मत होइए, जरूरत पड़े तो शाम को भी ढूंढ लेती हैं कहां रखा है। काम झाड़ू शाम को भी वही करता है, सफाई शाम को दिमाग की सफाई करता है। ये तो लेके कितने लहरा रहे हैं। पत्रकारों ने मुझसे पूछा, आपने पंजाब में और दिल्ली में ये बीजेपी की आंधी को कैसे रोका। मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल कहां उगता है, बोले कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है, कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा दिल्ली और पंजाब में हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगई नहीं, कमल उगई नहीं। आपके इधर यहां दिल्ली है, ये सामने दिल्ली है, फोन करके पूछ लेना स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कैसी हो रही है, अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में इलाज गरीबों का हो रहा है या नहीं। आपके इधर पंजाब है, फोन करके पूछ लेना 90% पंजाब को बिजली का बिल जीरो आता है भाई साहब, 90% पंजाबियों को। फिर आपको क्यों नहीं आ सकता भाई। अब तो 44,250 हो गई, 440 नौकरियां कल देके आया हूं पुलिस, पंजाब पुलिस में 44,250 नौकरियां देके आपके सामने आपका बेटा खड़ा है। एक रुपया भी किसी का, एक रुपया छोड़ो किसी से चाय का कप भी पी लिया हो मैं जिम्मेदार हूं। चाय का कप कि नौकरी दिलवाने आए थे, रास्ते में ढाबे पे रुके, चाय का कप हमसे पी लिया, बताओ ऐसा हो सकता कोई। अरविंद केजरीवाल ऐसा नेता है जिसने 2020 में चुनाव से 2 महीने पहले टीवी पे आके बोल दिया, दिल्ली वालों अगर मेरे 4.5 साल के कामों से संतुष्टि है, काम अच्छे लगे तो मुझे वोट दे देना वरना मुझे वोट मत देना। ये कह सकता कोई, ये कह सकता कोई। ये वही कह सकता जिसका जिगरा है, जिसने काम किया हो। आप पकड़ के जेल में डाल रखा है भाई साहब, कोई बात नहीं, कुदरत है, भगवान है। केजरीवाल जिस दिन पैदा हुआ था ना 16 अगस्त को, उस दिन जन्माष्टमी थी, तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो रब करवाता है, कुछ ना कुछ तो भगवान करवाएगा। देखना हालत इनकी क्या होती है, देखा ना बांग्लादेश में क्या हुआ है, देख लिया ना बांग्लादेश का हाल। जब पब्लिक जनता जब तंगी करी जाओगे, आप उन पर गोलियां बरसाओगे, कोई हड़ताल करते हैं उन पर डंडे चलाओगे, नौकरी किसी को दोगे नहीं, और विपक्ष के नेताओं को अंदर करते जाओगे, अंदर करते जाओगे, फिर बाद में ना 15-20 मिनट में हेलीकॉप्टर में भागना पड़ता है भाई साहब। ये हुआ है परसों बांग्लादेश में, और आई भी हमारे देश में ही है वो। और मैं उसको बेनती करता हूं मोदी जी को थोड़ा सिखा देना, या तो ये सिखा देना कि भागना कैसे है, या ये सिखा देना कि ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे भागने की जरूरत पड़े। दो दो कामों में से एक तो सिखा ही देना। जनता है, पब्लिक है, सब जानती है, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर, लोग सब जानते हैं, पब्लिक है। तो चरखी दादरी वालों, आपके पास आया हूं ये कहने के लिए कि ये आपके पास आएंगे, अभी नेता आपके पास आएंगे, घरों के आपके कुंडे खड़काएंगे। जब आप इनके घर पे जाते रहे हो, चंडीगढ़ में जाते रहे होंगे, या किसी नेता के घर पे यहां जाते रहे होंगे, एमएलए के या एमपी के, आपके लिए दरवाजे खोले उन्होंने, नहीं खोले ना। हम जाते थे चंडीगढ़ कोई काम करने के लिए, बच्चों को नौकरी या सा कोई काम के लिए, चंडीगढ़ मंत्री गण मुख्यमंत्री गण के पास, तो दरवाजे पे खड़े होते थे
और हम कहते थे जी मिलना है भाई साहब, चाय पानी की बात तो छोड़ो, कितनी दूर से आए हो, चाय पानी पी लो पहले। डोर भी नहीं खुलता, दरवाजा भी नहीं खुलता था, साथ में एक विंडो रखी होती है, उसको खोल के बोल देते हैं साहब है नहीं, अगले बुधवार को आइए। चलो जी कुंडी बंद, कोई बात नहीं, कभी दादे की कभी पोते की। अब बारी आ गई है जिनके घरों से वापस आते रहे हो, जिनके घर के सामने दो दो चार चार घंटे प्यास से भूखे बैठ के वापस आते रहे हो खाली हाथ। अब वो आपके घरों का कुंडा खड़काएंगे, अंदर से कुंडा मत खोलना, उनको अंदर से ही बोल देना हम अभी घर पे है नहीं, इलेक्शन के बाद आना, बोल देना उनको, ताकि उनको भी पता चले किसी घर से किसी दर से खाली जाना कितना दर्दनाक होता है। मैं उस समय कलाकार था, जब से मैं चरखी दादरी को एक मेरे दिमाग में बहुत बैठा हुआ है, बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था 12 नवंबर 1996 को, बुजुर्ग बैठे हैं, दो जहाज टकरा गए थे यहां पे चरखी दादरी में, 350 बंदा मर गया था चरखी दादरी में, याद है ना? हाँ मैंने, मुझे बता, मुझे आज तक याद है, सऊदी अरेबिया का जहाज था, एक रशिया का जहाज था, तो दोनों टकरा गए थे और चरखी दादरी में गिरे थे दोनों। पहली बार हुआ है इतिहास में के दो जहाजों की सीधी टक्कर हो गई। सो क्योंकि पढ़ते रहते हैं इसलिए जब भी इधर उधर से गुजरते रहते हैं याद रहता है सब कुछ, आम बंदे हैं जी, मुरथल मुरथल के ढाबों पर रोटी खाने वाले बंदे हैं जी, गांव में खेती करने वाले बंदे हैं जी, मच्छरदानी में सोने वाले बंदे हैं जी, तो ये इनको पता होगा जो सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं, इनको पता होगा कि मच्छरदानी क्या होती है? इनको नहीं पता मच्छरदानी क्या होती है, नो नो नो, इन्होंने कभी मच्छरदानी लगाई नहीं, मच्छर आसपास नहीं आ सकता इनके। तो मैं ये कहना चाहता हूं हरियाणा वालों, इस बार बदल के देखो, बदल के कैसा नजारा आता है। ये तो कह रहे थे मोदी साहब, तो कह रहे थे हरियाणा में डबल इंजन की जरूरत है, तो डबल इंजन लगा भी दिया था, फिर इंजन क्यों बदल दिया? क्या खट्टर का इंजन खराब हो गया था? खट्टर वाला इंजन खराब हो गया क्या? एक नया इंजन लगा दिया। भाई साहब मैं आपको कहना चाहता हूं, देश को डबल इंजन की नहीं नए इंजन की जरूरत है, नए इंजन की। नया इंजन लगाओ एक ही बहुत होता है, डबल इंजन की जरूरत है। अभी कोयले वाले वो पुराने इंजन लेके ढूंढ भाग रहे हैं ये, अब तो सीएनजी वाले इंजन आ गए हैं, लेकिन ये हमें लड़ाते हैं, इनको कहते हैं ये समाज तुम्हें लूट रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं अगर इनको वोट डालोगे ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये आपके घर की टूटी खोल के भाग जाएंगे, ये आपकी बकरी चोरी कर लेंगे, ये आपकी मुर्गी चोरी कर लेंगे। वैसे इतना तो ठीक है, कल जब मैं देख रहा था बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के घर से मुर्गियां बकरियां चोरी हो रही थी, तो बकरियां मुर्गियां आम लोगों की चोरी नहीं हो गई? जिस दिन जनता जाग गई बकरियां मुर्गियां इनके घरों की चोरी होंगी, देखना। जब जनता आई ना इनके घर पे कि बस करो आप बस करो, है ना? तो फिर दोस्तों एक गांव था, ये बात सुनने वाली है, उसमें भैंसें चोरी होने लगी गांव में, एक रात में दो भैंसें चोरी हो गई, ये बात सुनना, ध्यान रखना और सुनाना भी जाके। गांव में भैंसें चोरी होने लगी, एक गांव में दो भैंसें चोरी हो गई, पूरे गांव में दूसरे दिन तरथली मच गई, कल रात बलदेव की दो भैंसें चोरी हो गई यार, अगली रात फिर चोरी हो गई एक भैंस, कहते यार नरेश की भी एक भैंस चोरी हो गई यार, अगले दिन फिर दो भैंसें चोरी हो गई, कहते कमाल हो गई यार, हैं ये पप्पू की दो भैंसें चोरी हो गई। तो उन्होंने गांव वालों ने फैसला किया, एक बाबा था फकीर था संत महात्मा, उसी गांव के जू में रहता था, उसके पास गए, बाबा जी बख्शो, गांव पे कोई ग्रह है, कोई ग्रह भारी है, भैंसे चोरी हो रही हैं पिछली तीन दिन से, कोई उपाय बताइए। बाबा ने कहा कोई बात नहीं,
पूरे गांव में ये अनाउंसमेंट कर दीजिए, चार आदमी एक चद्दर के चारों कोने पकड़ के ऐसे ओढ़ के चद्दर को खड़ा हो जाएं चार आदमी, और गांव वालों को नीचे से चद्दर के नीचे से निकालो। जिस आदमी ने भैंसे चोरी की होंगी, जैसे ही चद्दर के नीचे से निकलेगा उसको दिल का दौरा पड़ जाएगा और मर जाएगा वहीं पे। तो गांव वालों ने अनाउंसमेंट कर दीजिए, आओ जी। बाबा जी ने कहा है चार मोतबार आदमी गांव के वो चद्दर ओढ़ के पकड़ के चारों कोने पकड़ के ओढ़ के खड़े हो गए। गांव के पूरे मर्दों को निकाला गया, कोई भी नहीं मरा। गांव की पूरी औरतों को नीचे से निकाल दिया गया, कोई भी नहीं मरी। बच्चों पर शक हो गया, चलो कहते बच्चों को भी निकालते हैं। बच्चों को चद्दर से नीचे निकाला गया, कोई भी नहीं मरा। पूरा गांव चद्दर के नीचे से निकल गया, कोई भी नहीं मरा। कारण पता क्या था? जो भैंसे चोरी करते थे वो तो चादर पकड़ के खड़े थे, वो तो चारों जने चादर ओढ़ के खड़े थे, मरता कौन? चोर तो चादर ओढ़ के खड़े हैं। इसीलिए हम कहने आए हैं आपको, अरे देश की चादर तो चोरों को पकड़ा रखी है, और ढूंढते हो चोर अपने आप में से। एक बार आम आदमी पार्टी को, हरियाणा की चादर को, ईमानदार बंदों को पकड़ा के देखो, आपकी सभी किस्म की चोरियां बंद हो जाएंगी, ये गारंटी लेते हैं हम। तो ये इनका है। और बहुत बहुत मुझे अच्छा लग रहा है इतना मान सम्मान दे रहे हो, और मेरा तो हरियाणा के साथ वैसे भी रिश्तेदारी है, वैसे भी मेरा तो फर्ज भी बनता है यहां आऊं, क्योंकि घर पे भी जाना है भाई साहब, क्योंकि ससुराल हरियाणा में है तो सब कुछ सुनते भी होंगे अभी घर पे कि क्या क्या बोला है। तो मेरे लिए तो और भी फर्ज मैं तो निभाना चाहूंगा। वैसे वो इतनी बात नहीं है, वैसे प्यार और मान सम्मान ही है, अदरवाइज यही रिश्तेदारी। पहले तो हमारी दोस्तियां रिश्तेदारियां पंजाब ही होता था, बाद में बना हरियाणा पंजाब, छोटे बड़े भाई हैं। हमको वैसे ही लड़ा दिया इन नेताओं ने, जब हल लेके आए थे किसान भाई, जब उन्होंने नारा लगाया था कि हरियाणा और किसान एकता, हरियाणा पंजाब किसान एकता जिंदाबाद, तो बड़ा अच्छा लगा था। समस्याएं भी एक ही हैं हमारी, फसलें भी एक ही हैं, एक ही पतन का पानी पीते हैं, बस इन्होंने हमें बांट दिया है, हमको आपस में लड़ा दिया है। हम चादर के नीचे से निकल रहे हैं, चादरें ये पकड़ के खड़े हुए हैं, इसीलिए हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद है। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद माओं बहनों का करता हूँ जो इतनी भारी संख्या में आई हैं। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। इसलिए मैं आपको आग्रह करने आया हूँ, इस विधानसभा चुनाव में अपने हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पूरी दुनिया हिला दी है, जिनका नाम पूरी दुनिया में ईमानदारी के एक मुसज्जमे के तौर पे जा रहा है, उनको आप जिताइए, उनको आप लाइए। गारंटी हमारी है, पंजाब इधर है, दिल्ली इधर है, अब बीच में जो हरियाणा है वो भी अपनी अगर किस्मत बदलनी चाहता है तो आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को इस बार ले आओ और अपने बच्चों की और अपनी किस्मत बदल लो। दो नारे लगवाऊंगा यहां से, तिहाड़ जेल नजदीक है, तिहाड़ इधर ही है ना, तो यहां से नजदीक है, तो अरविंद केजरीवाल जी को ना पूछना पड़े कि नारे कितनी जोर से लग रहे थे। तिहाड़ जेल की दीवारों को चीरते हुए आपकी आवाज इनकलाब जिंदाबाद की वहां तक पहुंचे, उनको पता चल जाए। दोनों हाथ ऊपर करके इनकलाब, थोड़ा और कर दो इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, बोले सोनिया।